हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V25 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है बैटरी सेवर सेटिंग को अपना शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, और ये बैटरी सेवर सेटिंग जो है शेड्यूल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी का, बैटरी पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको बैटरी में आना, नीचे ये ऑप्शन मिलेगा बैटरी सेवर का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब ये बैटरी सेवर का पेज ओपन होगा, इसमें आपको नीचे की साइड ये सेटिंग शेड्यूल का ये ऑप्शन दे रखा है, सेटिंग शेड्यूल पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब ये आपका पेज ओपन होगा सेटिंग शेड्यूल का, इसमें आपको बीच में सेकंड ऑप्शन दे रखा है बेस्ड ऑन परसेंटेज, इसे आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका नीचे की साइड ये पॉइंटर शो हो जाएगा परसेंटेज के साथ, इस पॉइंटर को आप ना आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से। आप इस पॉइंटर को कहीं पर भी आप इसे रख लीजिए, 10, 20, 50, 80, 90, 70, 50 कहीं पर भी आप इसे रख लीजिए। मैं इसे 25% पे रख लेता हूं एग्जांपल के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने इसे 25% पे रख लिया है। तो अब हम बैक पेज पे जाएंगे तो देखिए शेड्यूल के नीचे लिखा हुआ है विल टर्न ऑन एट 25%। अभी सेटिंग जो है शेड्यूल हो चुकी है, अभी सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जब भी आपके मोबाइल फोन की बैटरी जो है ना 25% बचेगी, आपके मोबाइल फोन की बैटरी 25% बच जाएगी, तो उसी वक्त आपके मोबाइल फोन का जो बैटरी सेवर सेटिंग है ये आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑन होने के बाद आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, बैकग्राउंड स्क्रीन आपके फोन की व्हाइट से ब्लैक हो जाएगी। अभी बैटरी सेवर ऑन होने के बाद होता क्या है कि आपके मोबाइल फोन का जो बैटरी सेवर सेटिंग है ना, आपकी मोबाइल फोन की बैटरी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होने से बचाता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा खत्म होने से बचाता है आपका बैटरी सेवर, ठीक है। तो यहां पर जो है ना ये बैटरी सेवर सेटिंग जो है इस तरीके से काम करती है। और दोस्तों शेड्यूल करने का फायदा ये होता है कि आपकी सेटिंग ना एवरीडे यानी कि हर दिन आपकी ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी, ठीक है। जब भी आपके मोबाइल फोन की बैटरी 25% बचेगी ना, तो आपकी ये सेटिंग हर दिन आपकी ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी। दोस्तों यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये वाला बटन मैंने आपको दबा के दिखाया था, इस सेटिंग को मैंने ऑन कर दिया था ये बटन दबा के। आपको ये बटन दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सेटिंग ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी, ठीक है। जब हम शेड्यूल नहीं करते हैं तब आपको ये बटन दबाना पड़ता है, नहीं तो आपको ये सेटिंग जब शेड्यूल करेंगे तो ये बटन नहीं दबाना आपको, ठीक है ना।